नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, ये जो हम पिछली आपके सामने क्लास लाए थे पार्ट वन के रूप में जो EVS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, उसमें आपके 14 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे जो आपके फैक्ट वाइज थे। अब बात करें 15 नंबर से लेकर 13 नंबर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे पैडागोजिकल क्वेश्चन होंगे। लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, इन पर आपको हम साथ मिलकर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, लेते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये आपका 15 नंबर सॉरी नंबर 15 क्वेश्चन लेंगे। लिखा है कि भारत में पूर्व से पश्चिम के ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यदि बात करें लूनी, दोस्तों पूर्व से पश्चिम नहीं बहती, साबरमती भी नहीं बहती, ताप्ती और नर्मदा बहती हैं, बट इनमें बात करें तो सबसे लंबी की बात करें तो यहाँ पे नर्मदा हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये आप इमेज में भी देख रहे होंगे। इसके बाद लिखा है 16 नंबर, यहाँ पे क्या है दोस्तों, पेडागोजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि बच्चे की दुनिया के बारे में समझ का सृजन करने वाले या इस कथन का श्रेय किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे जीन प्याजे को कहा जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ लिखा है सतत और व्यापक मूल्यांकन की तकनीक क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब है दोस्तों कि लगातार किसी बच्चे की कमी को हमेशा देखते रहना और उनको दूर करना। तो कमी को देखना और दूर करना हमेशा किस में आता है, निदानात्मक मूल्यांकन में। तो ऑप्शन आपका निदानात्मक होता है और इसे उपचारात्मक भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे निदानात्मक और प्लस उपचारात्मक, यानी निदान करने के बाद उपचार किया जाता है बच्चों का। बात कर लें एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। क्या वैधता होनी चाहिए? तो बिल्कुल होनी चाहिए। विश्वसनीयता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए? तो बिल्कुल होनी चाहिए। क्या उत्तीर्ण करने का मकसद होना चाहिए? देखिए, खाली उत्तीर्ण करने का मकसद नहीं होना चाहिए, इसलिए बाकी ऑप्शंस कट जाएंगे। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं नंबर 19 पर लिखा है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, यानी ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिसमें बच्चा दिमाग लगाए। यानी बात करें तो क्या वस्तुनिष्ठ या लघुत्तरीय या दीर्घ? तो दोस्तों, लघुत्तरीय या दीर्घ तो एक रटने वाली बात हो जाती है, बाकी वस्तुनिष्ठ में आप क्वेश्चन के ऑप्शंस भी बदल सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिसमें क्वेश्चन के उत्तर को बदला जा सकता है या दूसरी तरीके से भी उत्तर दिया जा सके, या क्वेश्चन रखने पर दूसरा उत्तर भी रख के बदल सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा है पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक क्या है, यानी हमें क्या करना है, पौधों को विभिन्न भाग दिखाने हैं तो क्या करना सबसे अच्छा रहेगा? क्या पाठ्यपुस्तक दिखाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, पौधों का अवलोकन करना चाहिए, ये सही हो सकता है, सैंपट पौधों का चित्र। तो दोस्तों, सबसे अच्छा रहेगा यदि पौधों का हम अवलोकन करा देंगे तो इससे बच्चा हर एक भाग को देख पाएगा, ताकि वो हर एक भाग को समझ सके, क्योंकि पौधे आसानी से स्कूल में मिल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से पौधे दिखा सकते हैं और उसका भाग, एक एक भाग को हम बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, ये लिखा है लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह है कथन। देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से एग्जाम में क्या होते हैं, लड़कियां भी लड़कों से आगे निकल जाती हैं। तो इसलिए ये सही नहीं है, ये सही हो सकता है नहीं, बिल्कुल बुद्धि के भिन्न पक्षों को दर्शाता है, ये भी नहीं है। ये क्या दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 22 नंबर पर, लिखा है बिहार राज्य में कक्षा 5 तक के पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय के रूप में होना चाहिए। देखिए, पर्यावरण अध्ययन छोटी कक्षाओं में होता है, तो इसमें सामाजिक विज्ञान भी होता है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान भी होता है, विज्ञान भी होता है, और आपका नैतिक विकास भी होता है, नैतिक शिक्षा भी होती है, तो सभी इसमें सम्मिलित होता है। तो इसलिए ये सम्मिलित विषय के रूप में होना चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा सभी विषय से इसमें टॉपिक डाल दिए जाते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों, लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी जैसे किसी पिकनिक वगैरह पर या टूर पर जाते हैं दोस्तों, तो इसका असली मकसद पिकनिक मनाना नहीं होता, मनोरंजन का भी नहीं होता दोस्तों, प्रत्यक्ष अनुभव भी हो सकता है, बट अगर इससे अच्छा ऑप्शन हमें नीचे मिलता है तो उसे देख लेते हैं पहले। तो पिकनिक और मनोरंजन तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, देखिए, सरकारी योजनाओं का निर्वाह करना, तो ये भी नहीं होता। तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बच्चा यदि जहाँ भी जाएगा वो प्रत्यक्ष रूप से कोई भी देखेगा, जैसे नदी देखेगा, झरने देखेगा, जानवर देखेगा, पशु पक्षी जो भी देखेगा वो क्या देखेगा, प्रत्यक्ष देखेगा, उसका अनुभव करेगा।
ताकि उसको अधिक समय तक याद रहे। तो इस तरह से ये जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते थे पहले छोटे थे, या अब जो बच्चे जाते हैं इस तरह से पिकनिक पर या टूर पर जाते हैं, तो वो किस लिए लेके जाते हैं? ताकि आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सको, यानी बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। तो ये दोस्तों ये जो 16 नंबर से चल रहे हैं पेडागोजिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, जो आपको 15 थॉर्टिकल आते हैं और 15 आपके पेडागोजिकल आते हैं। तो दोस्तों 24 नंबर लिखा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो नंबर एक क्या, योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि। तो यदि बात कर लें तो सबसे अच्छी बच्चों को क्या लगती है दोस्तों, कहानी लगती है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों को क्या होती है, कहानी पसंद होती है। इसके बाद लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेत शिक्षण का संकेत है? अभिप्रेत का मतलब होता है दोस्तों अभिप्रेरणा देना। तो बात कर लें नंबर एक पर, कक्षा में अधिक उपस्थिति, तो दोस्तों डर के कारण भी हो सकती है उपस्थिति। तो बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना ये उत्तर हो सकता है। इससे पहले आगे पढ़ लेते हैं, कक्षा में एकदम खामोशी, यदि खामोशी रहेंगे तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा और अभिप्रेरित नहीं रहेगा और डरा धमका रहेगा। गृह कार्य को पूर्ण कर लेना, दोस्तों ये भी नहीं होगा कि खाली गृह कार्य को पूर्ण कर लेना। तो यदि बच्चा क्लास में कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो वो क्या है, अभिप्रेरित है और अंदर से अभिप्रेरित है, और इसको क्या कहेंगे, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर लिखा भी है कि छात्रों द्वारा प्रश्नों को पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। कक्षा में किसी छात्र द्वारा प्रश्न पूछने से क्या होता है, प्रश्न पूछने से स्पष्ट होता है कि छात्र शिक्षण अभिप्रेरित है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26 नंबर पर लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो यदि बात करें पर्यावरण में दोस्तों कौन कौन आता है, जहाँ आपका जलमंडल हो, स्थलमंडल हो, वायुमंडल हो, तो ये सारे मंडल क्या हैं, पर्यावरण के हिस्सा हैं। बात कर लें सौरमंडल की, ये सौरमंडल का हिस्सा, सौरमंडल पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, ये क्या है, ब्रह्मांड का हिस्सा है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन को कर लेते हैं, ऑप्शन इसमें दोस्तों सौरमंडल ही हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं 27, लिखा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा करती है, यानी अभिप्रेरणा क्या करती है सीखने की प्रक्रिया को कोई पता होगी। यदि अभिप्रेरित होगा तो बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा या प्रभावपूर्ण तरीके से सीखेगा। लिखा है ऑप्शंस में, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, तो ये सही है, बाकी इससे भी अधिक सही यदि मिलेगा तो हम उसे लगाएंगे और देख लेते हैं। बच्चों की स्मरण शक्ति मजबूत करती है, तो खाली स्मरण शक्ति की बात नहीं हो रही दोस्तों, बच्चों को एक दिशा में सोचने की, तो एक दिशा का मतलब खाली एक ही दिशा का मतलब ये हो गया, कई दिशाओं में या सभी दिशाओं का होता तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ एक ही दिशा की बात कर रहा है तो इसलिए नेगेटिव हो गया। पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, अलग नहीं करती दोस्तों, जोड़ती है। तो ये तीनों ऑप्शंस कट जाएंगे, राइट आंसर हमारा एक नंबर हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर आपका है, लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने के सुझाव देंगे, यानी पर्यावरण अध्ययन को हमें यदि किसी यानी बाह्य साधन के द्वारा भी समझाना है तो दोस्तों आप चैनल का यदि सुझाव देना चाहें तो क्या नेशनल जियोग्राफी, ये जो आपके पर्यावरण से जुड़े हैं दोस्तों उन्हीं चैनलों को आपको प्रमोट करना है। तो नेशनल जियोग्राफी भी जुड़ा हुआ है, डिस्कवरी भी, एनिमल भी, और तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी किससे जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। और 29 आपकी सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो लिखा है कि बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? देखिए चाहे बिहार हो चाहे कोई अन्य राज्य हो, राज्य की बात कर लें तो दोस्तों हमेशा SCERT क्या करती है, आपके प्राथमिक स्तर का क्या करती है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है, और NCERT आपका सेंट्रल लेवल पर करती है, सेंट्रल लेवल पर। तो दोस्तों याद रहे तो इसमें ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखा है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, लिखा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा पढ़ाने या समझाने के लिए किस तरीका का हमें उपयोग करना चाहिए? नंबर ए लिखा है अंकुरित बीजों का फोटो दिखा देना चाहिए, तो खाली फोटो दिखाने से क्या होगा, प्रभावी तरीका पूर्ण नहीं होगा। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरणों के चरणों का प्रदर्शन करना ये भी नहीं होगा, अगर इससे भी प्रत्यक्ष अनुभव या इससे प्रभावी मिलता है सबसे प्रभावी चुनेंगे। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना अंकुरण की प्रक्रिया स्पष्ट करता है, तो ये भी नहीं होगा। बीज बोने
अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना तथा उनके चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसी में कार्यरत है बच्चा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। इस तरह से बीज का अंकुरण यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो पिछली आपके PYQ में पूछे गए थे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और यदि हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारी अन्य क्लास देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो उनमें आप जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।